राजनामा दुनिया के साथ मैं प्रिया। आईएसआईएस के एक आतंकी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को तमिलनाडु से अरेस्ट किया। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि ये केरल में धर्मस्थल और कुछ समुदायों के नेताओं पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। एनआईए से इनपुट मिलने के बाद केरल में राज्य की पुलिस ने चार जगह छापामारी भी की। एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के लिए त्रिशूर में तीन और पलक्कड़ में एक जगह छापा मारा गया। मॉड्यूल के लोग टोही मिशन चला रहे थे और आतंकवादी हमलों की साजिश रच रहे थे। इससे पहले मंगलवार को भी एनआईए ने एक आरोपी आशिफ को ट्रैक किया और तमिलनाडु के सत्यमंगलम के पास उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन 19 जुलाई को आशिफ के साथ साथ सैयद नबील अहमद त्रिशूर के शियास टीएस और पलक्कड़ के रईस के घरों की तलाशी ली। यहां से डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। पकड़ा गया आरोपी आशिफ आईएसआईएस की गतिविधियों को बढ़ावा देने, डकैती और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर आतंकवादी हमलों के लिए पैसा जमा करने में लगा था। एनआईए ने बताया कि ये केरल में कुछ समुदायों में पूजा स्थलों, नेताओं और कुछ प्रमुख स्थानों की रेकी कर चुके थे। इनका उद्देश्य राज्य में आतंक फैलाना और सांप्रदायिक टकराव पैदा करना था। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।